श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कितनी महत्वता कलश की महाराज, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रख लेने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां नवरात्र में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आदि शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं, उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे, वो बीमारी आपको घेर कलश का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं मैं हमेशा गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय आपके लिए लेकर आता हूं और गुरुजी से सुनकर उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश भी करता हूं। इसी क्रम में आज के उपाय की बात करें तो आज का उपाय बहुत ही सरल, बहुत ही आसान उपाय है। आज के समय में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां बीमारी ना हो। हर इंसान तरह तरह की बीमारियों से घिरा हुआ है। अगर आपके घर में भी बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही तो आप यह आज का उपाय जरूर करें। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, नवरात्रि के किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक कलश में जल लेना है। कलश आप कोई भी ले सकते हैं, तांबे का, स्टील का, जो भी आपके घर में कलश हो वह कलश आप ले सकते हैं। शाम के समय लोटे में जल भरकर अपने घर में कहीं भी रख दें, अपने कमरे में रख दें या पूजा घर में रख दें। रात में जल से भरा हुआ कलश अपने घर में रखा रहने दें। सुबह उठकर स्नान वगैरह करके माता का पूजन करें, फिर उस जल से भरे कलश को उठाकर अपने पूरे घर में घूमना है। वैसे तो गुरुजी ने घर के बाहर चारों तरफ घूमने का बोला था, पर आज के समय में यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे घर के चारों तरफ दूसरों के घर बने होते हैं, इसलिए हम घर के बाहर तो नहीं घूम सकते। घर के अंदर, पूरे घर के अंदर, हर कमरे के अंदर आपको इस जल को लेकर घूमना है, टॉयलेट बाथरूम को छोड़कर। पूरे घर में जल को घुमाने के बाद आपको इस जल को लेकर नीम के पेड़ के नीचे जाना है और नीम के पेड़ के नीचे इस जल को समर्पित कर देना है। नीम का पेड़ अगर आपके घर में है तो आप अपने घर में कर सकते हैं, नहीं तो कहीं भी बाहर नीम का पेड़ मिले उस नीम के पेड़ के नीचे आपको ये जल चढ़ा देना है। गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन सभी देवियाँ नीम के पेड़ के नीचे निवास करती हैं, इसलिए नीम के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने से देवी माँ प्रसन्न होती है और हमारे घर को, पूरे घर को रोग से बचाए रखती है। अगर आपके घर में भी रोग की बड़ी समस्या है तो आप यह उपाय एक बार जरूर करें। अंत में हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से किसी भी प्रकार का लाभ हुआ है तो कृपया कॉमेंट में अपने पूरे नाम के साथ आपको क्या लाभ हुआ है जरूर बताएं। आपका कमेंट अगले वीडियो में दिखाऊंगा ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि किस उपाय से क्या लाभ होता है, इसलिए कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।